22 जुलाई भारत के गौरव तिरंगे का अंगीकरण दिवस है। हर साल इस दिन भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण मनाया जाता है, यानी कि इसी दिन तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। सहयोगी अनिरुद्ध की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। में तिरंगे के राष्ट्र ध्वज बनने की कहानी के साथ साथ संविधान सभा ने जिस स्वरूप में तिरंगे को अंगीकार किया था उसका ब्यौरा है। पहला राष्ट्रध्वज आज की तारीख में नई दिल्ली के आर्मी बैटल ऑनर्स मेस के पास है। पीएम ने 1930 में प्रकाशित शहीद गर्जना की एक प्रति भी साझा की। आज जो हम गुनगुनाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह इसी कविता का अंश है। आइए जानते हैं कहानी अपने तिरंगे की। स्वतंत्रता संग्राम के बीच यह जरूरत महसूस की गई कि एक ध्वज होना चाहिए। स्वतंत्र भारत की क्या पहचान हो, इस पर 20वीं सदी की शुरुआत से ही मरण होने लगा था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जर्नल के एक लेख में राष्ट्र ध्वज की जरूरत बताई। उन्होंने पिंगली वेंकैया को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। वेंकैया ने केसरिया और हरे रंग का इस्तेमाल कर ध्वज तैयार किया। इसमें केसरिया रंग को हिंदू और हरे रंग को मुस्लिम समुदाय का प्रतीक माना गया था। गांधी ने लाला हंसराज की सलाह पर झंडे के बीच में चरखा जोड़ने का सुझाव दिया ताकि लगे कि झंडा स्वदेशी कपड़े से बना है। अप्रैल 1921 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह ध्वज सामने रखा जाना था, मगर वक्त पर ध्वज तैयार नहीं हुआ। गांधी ने बाद में कहा कि देरी अच्छी हुई, क्योंकि उन्हें यह सोचने का मौका मिला कि ध्वज केवल दो धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह झंडे में तीसरा रंग सफेद जोड़ा गया, हमारा तिरंगा आकार लेने लगा। महात्मा गांधी ने 1929 के एक संबोधन में कहा कि केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग पवित्रता का और हरा रंग उम्मीद का। स्वतंत्रता संग्राम में एक और तिरंगा जिसे स्वराज झंडा कहा जाता है का भी इस्तेमाल हुआ। इसमें ऊपर की पट्टी केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था। बीच में नीले रंग से बना चरखा था, यानी वह वर्तमान राष्ट्रध्वज से काफी मिलता जुलता था। खिलाफत आंदोलन के वक्त मोतीलाल नेहरू ने स्वराज झंडा उठाया। 1931 में कांग्रेस ने स्वराज झंडे को ही राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकृति दी। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने की उम्मीद प्रबल हो रही थी। 1940 की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर पहुंच गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया तो नए देश का स्वरूप तय करने संविधान सभा का गठन हुआ। एक एडहॉक समिति बनाई गई जो राष्ट्रध्वज के डिजाइन पर सलाह। इस समिति में मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती गुराज गोपालचारी, सरोजनी नायडू, के एम पन्नीकर, बी आर अम्बेडकर, उज्ज्वल सिंह, फ्रैंक एंथनी और एस एन गुप्ता शामिल थे। 10 जुलाई 1947 को समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। समिति के सदस्यों के अलावा बैठक में विशेष न्योते पर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इसी बैठक में राष्ट्रध्वज के डिजाइन से जुड़ी बारीकियां तय हुई। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभा ने स्वीकार कर लिया। इस तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। भारत में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराने का सौभाग्य पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू ने लाल किले के प्राचीर से पहली बार तिरंगा फहराया। ये थी तिरंगे की कहानी। कैमरामैन श्रवण के साथ अनिरुद्ध कुमार, रफ्तार मीडिया, पटना।